जिले में गंगा का रुख लगातार तलखी की ओर होने के बीच अब भी जलस्तर लगातार बढ़ाव की ओर है। गंगा का रुख पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद जमीन पर और भी तलखी की ओर है। सहायक नदी चंबल में भारी बारिश के बाद बाढ़ का पानी लोगों को और चिंता और दुश्वारियां दे रहा है। नदी का रुख दोबारा तलखी की ओर हुआ तो बारिश का दौर भी रात भर होने के बाद नदी का रुख बढ़ाव की ओर नजर आने लगा है। शहर में अब गंगा का पानी प्रवेश करने लगा है। 5 सेंटीमीटर की गति से गुरुवार की दोपहर में गंगा का जलस्तर शहर में दुश्वारी बनकर फैलने लगा है। जलस्तर में इजाफा होने के बाद अब नदी का तल्ख रुख बाढ़ की दोबारा दस्तक दे चुका है। पानी का जलस्तर बढ़ता देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि दोपहर में गंगा चेतावनी बिंदु पार कर जाएंगी। दोपहर 12 बजे तक गंगा का जलस्तर मात्र 2 सेंटीमीटर चेतावनी बिंदु से दूर था और हर घंटे 5 सेंटीमीटर जलस्तर में इजाफा हो रहा था। दोपहर 1 बजे तक गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु के पार हो गया। अब चेतावनी बिंदु के बाद गंगा का जलस्तर खतरा बिंदु के करीब जा पहुंचा है। अब गंगा में बाढ़ से वरुणा में भी पलट प्रवाह की वजह से तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का पानी चिंता पैदा करने लगा है। बीते 3 दिनों में कुल 116 सेंटीमीटर तक गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। बाढ़ का पानी शहर में प्रवेश करने लगा है तो गलियों में गंगा का पानी आने की वजह से गलियों में नौका संचालन शुरू हो गया है। जबकि पूर्व से ही वाराणसी में हरिश्चंद्र सहित मणिकर्णिका घाट पर चिताएं गलियों में जलने लगी हैं। अब गलियों में चिताएं सजने की वजह से गंगा का रुख काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो चला है, जबकि छत पर गंगा आरती पूर्व से ही हो रहा है। केंद्रीय जल आयोग की ओर से राजघाट पर सुबह 8 बजे लिए गए बाढ़ के रिपोर्ट के अनुसार प्रति घंटा 6 सेंटीमीटर गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। यहाँ पर गंगा का चेतावनी बिंदु 70.262 मीटर है, जबकि खतरा बिंदु 71.262 मीटर पर है। वर्ष 1978 में गंगा का सर्वाधिक जलस्तर 73.901 मीटर था तो पिछली बार बाढ़ का स्तर 72.320 मीटर था। बाढ़ कंट्रोल रूम का नंबर भी विभाग की ओर से 0542-2508550 और 9140003-7137 दिया गया है। तटवर्ती इलाकों में घर लौटने की ओर हो चले लोगों को उल्टे पांव दोबारा बाढ़ देखकर आश्रय की ओर लौटना पड़ा है। रात भर बारिश की वजह से वरुणा में भी पलट प्रवाह का असर देखा गया। इसकी वजह से नदी का रुख भी तटवर्ती लोगों को भयभीत कर रहा है। केंद्रीय जल आयोग की ओर से जारी रिपोर्ट में नदी का रुख आगे भी चुनौती की ओर होने के संकेत को देखकर लोग चिंतित हैं। दूसरी ओर ज्ञान प्रवाह क्षेत्र में गंगा का पानी आने के बाद आगे भी बाढ़ की संभावनाएं तटवर्ती लोगों को डराने लगी हैं। माना जा रहा है कि 2 दिन और पानी बढ़ गया तो शहर में गंगा का जलस्तर और भी आगे बढ़ जाएगा। दशाश्वमेध घाट पर गंगा का जलस्तर इतना बढ़ चुका है कि जल पुलिस का थाना पूरी तरह से डूब चुका है। गंगा किनारे के प्रमुख घाट ही नहीं बल्कि नदी किनारे के प्रमुख मंदिर भी डूब चुके हैं। गंगा का बढ़ा हुआ पानी देखने के लिए लोग छतों का सहारा ले रहे हैं। नदी में नौकाएं तटों पर बांध दी गई हैं और पानी का वेग इतना है कि क्रूज का भी संचालन नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद बंद कर दिया गया है। नावों के सहारे लोग अब शवों को दाह संस्कार के लिए गलियों में ला रहे हैं। ऐसे में गलियों में नौका संचालन शुरू होने के बाद तटवर्ती लोगों में भी चिंता का माहौल है। किनारे बंधी नौकाएं इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि गंगा का वेग आखिर कितना प्रचंड हो चला है। नदी की लहरों ने गलियों में अब प्रवेश करना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि नदी का जलस्तर आगे और बढ़ा तो शहर के अन्य निचले इलाकों में भी पानी आ जाएगा। शहर के कई इलाकों में बाढ़ का पानी गुरुवार की दोपहर प्रवेश कर गया। हुकुलगंज बगवानाला स्थित मेहनिया माई मंदिर के समीप बाढ़ का पानी पहुंच गया, जहां बाढ़ के पानी से एक कमरे में परिवार फंसा हुआ है। बाढ़ से पीड़ित के निकलने का कोई साधन नहीं होने की वजह से पीड़ित की सूचना पर पहुंची पुलिस ने NDRF को सूचना दिया। खाली ट्रेलर में रहा तू हम सब पापी डूबा था ना देखे दे पानी बाहर नहीं। 1, 2, 3, 4, 5 सीढ़ी बचल है।